एंजाइम के फंक्शंस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के हवाले से यहां पर दो मॉडल्स हैं वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड द अदर वी हैव इंड्यूस फिट मॉडल लॉक एंड की मॉडल एमेल फिशर ने 1890 के अंदर प्रपोज किया और इस मॉडल के मुताबिक इसने क्या अल्फाज बोले बेहतर तरीके से एंजाइम को अंडरस्टैंड किया जाए एक कंपैरिजन क्रिएट किया उसने लाइक अ स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक मखसूस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर अगर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर एक लॉक है और इस लॉक के पास एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पर एक मखसूस की इंसर्ट होती है और वो की इंसर्ट होने के बाद इस लॉक को ओपन कर सकती है कोई और की इस लॉक को ओपन नहीं कर सकती सिमिलरली स्पेसिफिक एंजाइम कैन ओनली ट्रांसफॉर्म अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और एक ऐसा सबस्ट्रेट जो उस इंजाइम की एक्टिव साइड पर प्रॉपर तरीके से फिट हो सकता है एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल सो यहां पर जो चीज हमें नजर आई इस मॉडल के अंदर वो ये है कि वो जगह जहां पर एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है वो एक फ्लेक्सिबल जगह नहीं है वो एक रिजिड सरफेस है जहां पर एक मखसूस सबस्ट्रेट ही आकर अटैच होगा तभी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा एंजाइम अदरवाइज एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा So this is the most important thing about this lock and key model that active site is a rigid structure and it show no modification or flexibility during the reaction with substrate or even after the reaction with the substrate. I a comparison K, अगर हम दूसरा मॉडल ऑब्जर्व करें विच इज इंड्यूस फिट मॉडल जो डैनियल कोशलैंड ने 1959 के अंदर प्रपोज किया इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट अ रिजर्ड स्ट्रक्चर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है उस जगह में फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन यहां पर एक शर्त लगा दी गई और वो ये है कि जब कोई अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम का है वो यहां पर इंजाइम की एक्टिव साइड के आकर अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट इंड्यूस कर सकता है चेंज को इन द इंजाइम एक्टिव साइट और इस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है सो so यहां पर हमें एक बहुत क्लियर कंपैरिजन नजर आता है लॉक एंड की मॉडल के हवाले से और वो ये है दैट लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड सरफेस ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगी टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट कोई रिजड सरफेस नहीं है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट और यू कैन से सबस्ट्रेट कैन इंड्यूस अ चेंज इन द एंजाइम एक्टिव साइट जिसके नतीजे में एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा लाइक like, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहां पर एंजाइम है और इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जब उस पर ये सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम की उस एक्टिव साइट के अंदर कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से यहां पर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये इंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट अ रिजिड सरफेस। इट कैन शो फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ प्रोप्रिएट सबश्रेट